के निजाम की पीएसएल में एंट्री, लाहौर की पहली जीत सबके लिए एक खतरा बन गई, जीत को तरसी लाहौर कलंदर, बिलाखर पहला मुकाबला जीत गई, लाहौर के लिए एक ऐसा सुनहलू जिससे वो सेमीफाइनल खेल सकता है। क्या सुनहलू है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले पीएसएल सीजन 9 का बड़ा और दिलचस्प मुकाबला था यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान। कलंदर ने बाजी मार ली, अपनी उम्मीदों को चार चांद लगा दिए। शहीन की कप्तानी एक मरतबा फिर आसमानों के ऊपर राज करने लगी। ये वो शहीन है जो पिछले 2 सालों से लगातार चैंपियन बना, लेकिन पीएसएल सीजन 9 के पहले 6 मुकाबले हार गया। ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर अब बाहर हो चुका है, लेकिन एक जीत, पहली जीत सबके लिए खतरा बन गई। मगर कैसे? नाज़रीन, सबसे पहले पॉइंट टेबल की बात करें, इस वक्त 3 टीमों के आपस में जबरदस्त मुकाबले चल रहे हैं, टक्कर के मुकाबले चल रहे हैं। सबसे पहले पेशावर जलमी की बात करें जो इस वक्त 9 पॉइंट के साथ नंबर 3 पे है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर यूनाइटेड की बात करें, 7 पॉइंट के साथ नंबर 4 पर है। फिर कराची किंग, फिर लाहौर कलंदर, मतलब नंबर 6 पर लाहौर कलंदर इस वक्त है। लेकिन उसकी पहली जीत है, ये बड़ी जीत है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। लाहौर कलंदर को अब अपने बकाया 2 मैच खेलने हैं, दोनों मैचों में कामयाबियां हासिल करनी है। इस तरह लाहौर कलंदर के 7 पॉइंट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने दोनों मुकाबले हार जाता है तो लाहौर कलंदर और यूनाइटेड के पॉइंट जो है वो बराबर के हो जाएंगे, और लाहौर कलंदर के पास फिर एक और ऑप्शन है जिससे वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। वो ऑप्शन ये है, जिस तरह आज लाहौर कलंदर ने 17 रन से कामयाबी हासिल की है, इसी तरह अगला मैच जो है वो 50 या 60 रन से कामयाबी हासिल करनी है ताकि लाहौर कलंदर का रन रेट जो है वो बेहतर हो जाए, तो ये ऑप्शन लाहौर कलंदर को सेमीफाइनल तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, बड़ी जीत थी लाहौर कलंदर की, पहली जीत थी, काफी फैन जो है लाहौर कलंदर के परेशान थे, तो बिलाखर शहनशाह अफरीदी ने अपने फैन को परेशान नहीं किया, उनकी परेशानियों को दूर कर दिया। क्या कहते हैं लाहौर कलंदर की इस जीत के ऊपर, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे कोई नई अपडेट आती है।